नमस्कार स्टूडेंट्स, एसीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ये सेशन आपके लिए ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे, कितना टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, एग्जाम सेंटर में अगर पैसे नहीं दिए तो क्या फेल हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में अभी चल रहे हैं, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम इस सेशन के अंदर पूरा जान लेंगे किस प्रकार से आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो आपका एग्जाम है ओ लेवल का, वो ऑनलाइन कर दिया गया है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी। तो इसका देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे इसका इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और अपना पासवर्ड डालना होगा। कुछ सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको ये जो इंटरफेस है वो नहीं दिखा पा रहा, फिर भी डेमो के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे वर्क करेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना है, फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो सेक्शन है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये M1 R5 का है, ये डेमो है स्टूडेंट्स। टोटल आपको 50 मिनट लगेंगे, 50 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और फिर आ गया आपका M2 M3 M4। जैसे ही आपका जो भी प्रैक्टिकल है वो आप यहाँ, जैसे ये है आपका M1 R5, तो कंटिन्यू कर दीजिए, M2 R5 कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने ऐसी एक विंडो आ जाएगी। जो नेक्स्ट विंडो है ये आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए, ऐसे आपका ये टाइम चलेगा, ये आपका टाइम है और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होंगे जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ होगा कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टूडेंट्स डेमो में अपन देख पा रहे हैं कि तीन क्वेश्चंस है, तीन भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं। नंबर कैसे होगा आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 80 मार्क का, टोटल 100 का होता है, 80 मार्क का प्रैक्टिकल होगा और 20 नंबर का वाइवा होगा। 80 के वो अगर दो क्वेश्चंस आते हैं अपने, अगर दो क्वेश्चंस आते हैं तो 40-40 के आ सकते हैं, 40-40 के आ सकते हैं। तीन क्वेश्चंस आए तो एक 40 का आ सकता है, एक 20 का आ सकता है और एक 20 का आ सकता है। ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन दिखेगा, जैसे ये अनऑर्डर्ड एचटीएमएल की लिस्ट बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। नीचे आपको इसका कंपाइलर मिलेगा, जो आपका एडिटर होता है, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, जो भी आपका एडिटर होता है वो मिलेगा। और इसमें आपको अपना कोड लिखना पड़ेगा और यहाँ आप क्लिक करोगे शो आउटपुट के ऊपर, तो इसका आउटपुट आपको यहाँ दिखाई देगा। अब इसमें अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स कि आप आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट अपना देख सकते हैं। अगर कोई गलती है तो वो यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दूसरा ब्राउजर खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप दूसरा ब्राउजर खोलने की कोशिश करोगे तो आपको 10 बार वार्न किया जाएगा। कितनी बार? 10 बार आपको वार्न किया जाएगा। ऐसे एक वार्निंग मैसेज आएगा, प्लीज डू नॉट नेटिव आउट ऑफ टेक्स्ट विंडो ड्यूरिंग द टेक्स्ट, योर टेस्ट विल बी ऑटो सबमिटेड। मतलब अगर आपने कोई दूसरी विंडो खोलने का प्रयास किया तो आपका टेस्ट ऑटो सबमिट हो जाएगा। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। घबराना नहीं है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और जब आप अपने सारे क्वेश्चंस कर लें
तो लास्ट में एंड टेस्ट पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही एंड टेस्ट पर क्लिक करोगे आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस सेशन में मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस दो आ सकते हैं, क्वेश्चंस तीन आ सकते हैं, नंबर भी आपको मैंने बताया कि अगर दो आएंगे तो 40-40 के दो आ सकते हैं, 40-40 के दो आ सकते हैं, तीन आएंगे तो उस हिसाब से नंबर आ सकते हैं, और टाइम आपको मैंने बता दिया 50 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। कितने मिनट का? 50 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट्स नहीं होगी। एग्जाम सेंटर में आपको किसी प्रकार के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम आप आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपके अभी भी मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।